हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदितिस होम किचन। आज हम क्विक एंड इजी मसाला भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी और इसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था है। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्विक एंड ईजी बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए इसे बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी को धोकर अच्छे से सुखा लिया था। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, इस तरीके से हम भिंडी के 4 पीसेस कर लेंगे। अगर आपके पास छोटी भिंडी हो तो आप उसके 2 पीसेस करें। इसी तरीके से हमें सब भिंडी को कट कर लेना है। जैसे ही भिंडी अच्छे से कट हो जाएगी हम इसमें बेसन डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने भुने हुए बेसन का यूज़ नहीं किया है, जो सादा बेसन होता है उसका ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें बेसन डाल देंगे और बेसन डालकर हमें भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि भिंडी पर बेसन की जो है अच्छे से कोटिंग हो जाए। जैसे ही भिंडी अच्छे से कोट हो जाएगी हम एक पैन में 2 से 4 बड़े चम्मच के करीब जो है ऑयल ले लेंगे और इसमें हमारे भिंडी को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें यहाँ पर भिंडी को अच्छे से मिक्स कर इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 6 से 7 मिनट के लिए हम भिंडी को कवर करके पका लेंगे। जब तक भिंडी पक रही है तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में हमने यहाँ पर 1/2 कप के करीब जो है मूंगफली का इस्तेमाल किया है। हमें इसे अच्छे से भून लेना है। इसके बाद हम एक मिक्सर पॉट में 2 इंच के करीब जो है अदरक डाल देंगे। 10 से 15 हमें यहाँ पर लहसुन की कलियों का यूज़ करना है। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच के करीब जो है तेल डाल देंगे। तेल से सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने जो मूंगफली रोस्ट की थी वो डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 4 से 5 जो है सूखी लाल मिर्च का यूज़ किया है। आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो, पर लाल मिर्च से सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच हम इसमें सौंफ डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच के करीब जो है मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच के करीब जो है हम इसमें हल्दी डाल देंगे। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे। और इसके बाद हमें इसे अच्छे से फाइन पाउडर में जो है ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से हम इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे, ध्यान रहे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। 5 से 6 मिनट के बाद हमारी भिंडी जो है अच्छे से एक साइड से क्रिस्पी हो गई है। हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो मसाला बना के रेडी किया था वो मसाला हमें इसमें ऐड कर लेना है। मसाला ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी पर हमें मसाले की कोटिंग करनी है। आप चाहो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच के करीब जो है पानी का यूज़ किया है, जिससे कि सब्ज़ी पर जो है भिंडी पर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो जाए। हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पका लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी पर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो गई है और मसाला और भिंडी दोनों भी पककर रेडी है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सब्ज़ी जो है बनकर रेडी है। इसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। पराठे या राइस के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्विक एंड ईजी भिंडी मसाला बनकर रेडी है। तो इसे पराठे राइस के साथ इंजॉय करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।